हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, दिल को छू लेने वाला और दिल को खुश कर देने वाला ये खूबसूरत सा आर्ट पीस आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ। और ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, और जो ये हैंगिंग मैंने इसके लिए बनाई है ना, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा सूप है ना, ये हमारे पास बहुत सालों से पड़ा था और ऐसे ही इधर उधर इसको बच्चे फेंक रहे थे। तो देख सकते हैं आप इसकी क्या कंडीशन हो चुकी है। सो मैंने सोचा इसको क्यों ना हम DIY करें। तो सबसे पहले इसको मैंने थोड़ा साफ़ किया। बीच में कुछ इसके चिपका हुआ था पेपर, तो वो मैंने रिमूव किया तो उसका थोड़ा सा इस पर मार्क रह गया, दाग रह गया। तो मैंने सबसे पहले इस पर वाइट कोट की है। फ्रेंड्स, अच्छे से वाइट कोट कीजिएगा, क्योंकि वाइट कोट करने के बाद आप कोई भी कलर करेंगे ना, तो वो पॉपअप होकर आपके सामने आएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा। तो मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ क्रोम येलो, क्योंकि ये भाई राजस्थानी आर्ट है तो कलर्स भी तो ट्रेडिशनल होने चाहिए। सो मैंने इसके लिए बिल्कुल ट्रेडिशनल और थीम बेस्ड कलर चूज़ किए हैं। सो फ्रेंड्स, अब जैसे कि सावन आएगा आगे और बहुत सारे इसी तरह के राजस्थानी फेस्टिवल्स भी हमारे सामने आएंगे, तो इस तरह के जो आर्ट पीस है ना, बहुत दिल को खुशी देते हैं। सो क्रोम येलो कलर करने के बाद मैंने उसको रख दिया थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। और अब मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स ये फैब्रिक्रिल की मोल्डेड क्ले, और आप जो आपकी घर की बनी हुई क्ले है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं जो मोल्डेड क्ले यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ तीन तरह से हम घर पर ही क्ले कैसे बनाएंगे। सो ये देखिए, जो मोल्डेड क्ले है ना, उसके कुछ पार्ट कर लिए मैंने और एक शेप देने की कोशिश की है। जो पधारों सा आर्ट है ना हमारा, वो आर्ट बेसिकली जो है ना, हम ड्रॉ करते हैं या सिर्फ पेंट करते हैं। बने बनाए MDF बोर्ड भी मिल जाते हैं, आप चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन अपने हाथ के बने हुए की तो बात ही कुछ और है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा ठीक ना बने, टेढ़ा बने या कुछ भी बने, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथ से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब ये देखिए, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ना, इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करके बनाइएगा। बहुत ही प्यारा जो है ना ये बनेगा। आप ये देखिए, धोती की शेप हम किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे। लीफ की तरह से हम इसकी जो है ना शेप ले लेंगे और इसको बिल्कुल बॉडी पार्ट के पास में इसको स्टिक कर देंगे। सो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। मैंने इस वीडियो में कुछ भी कट नहीं किया है, बिल्कुल सब कुछ आपके सामने है, ताकि हर एक चीज़, हर एक प्रोसेस आपको समझ में आए। और थोड़ा सा ना पानी लगाकर इसको भी स्मूथ कर दीजिएगा, क्योंकि बॉडी शेप है ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीचे अच्छी नहीं लगती। सो ये देखिए, मैंने उसको बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना शेप कर दिया है। तो अब हम बनाएंगे इसके जो है ना, ये देखिए छोटा सा एक फुट है ना, वो भी मैंने बनाने की कोशिश की है। शूज़ टाइप से बना लीजिएगा, क्योंकि उस पर तो कलर करके ही आपको डिज़ाइन देना है। जो हमारा पधारों सा आर्ट है ना, ये राजस्थान का ट्रेडिशनल आर्ट है, और जो वहाँ की लैंग्वेज है, बोली है, वो भी इसमें हमारी जो है ना झलकती है। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल आर्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही किसी सूप के ऊपर बनाएं, आप किसी भी बोर्ड पर या किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो हमारे मेल फीचर है ना, उनकी जो मूछें हैं, वो भी फैब्रिक्रिल की इस मोल्डेड क्ले से ही मैं बना रही हूँ। मैं सिर्फ पेंट से उसको नहीं बना रही हूँ, ताकि वो हाईलाइट हो, क्योंकि जो हमारा, आपने भी देखा होगा, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये आर्ट, और काफ़ी जो है ना लोग इसको ट्राई भी कर रहे हैं। सो उन सभी में जो इसकी मूछें हैं ना, वो बहुत हाईलाइट होती हैं और बहुत प्यारी भी लगती हैं। भाई, हमारे राजस्थान की बात ही क्या है, हम राजस्थान के पास ही रहते हैं, तो एक अलग तरह का जुड़ाव है, लगाव है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है राजस्थान की ट्रेडिशंस और वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो की वो दिखाई थी ना आपको पॉपेट्स, वो भी राजस्थान से ही परचेज की हुई हैं, लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग भी मैंने ही की थी। सो ये देखिए, जो धोती है ना, उसमें इस तरह से रिंकल्स होते हैं, लाइंस दिखाई देती हैं। सो मैं वो नाइफ से ही कर रही हूँ।
मैं नहीं किसी भी आर्ट टूल का यूज़ कर रही, आप किसी भी तरह के नाइफ से या नुकीली चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसको बिल्कुल हल्के दबाव के साथ कीजिएगा। ज़्यादा आप उस पर दबाव देंगे ना तो वो कट लग जाएगा और फिर वो मैनेज नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने जो बीच में एक रोल बनाकर लगाया था ना फेविक्रिल का, की मोल्डेड क्ले का, उसी को मैंने जो है ना थोड़ा सा कट लगा के बीच में कॉलर की शेप दे दी है, ताकि हमें अलग से जो है ना कपड़े भी ना इसके बनाने पड़े, इसी पर हम ड्रॉ कर दें। सो ये देखिए, हमारी जो मेल फीचर है ना वो ऑलमोस्ट तैयार है। आंखों के लिए हल्का सा आप ऐसे ब्रश के बैक साइड से भी पुश कर सकते हैं, या फिर मंडाला आर्ट की जो हमारी किट होती है ना, जो हमारे टूल्स होते हैं, उनसे भी आप कर सकती हैं। तो अब बारी है हमारे जो ये मेल है ना, इनकी पगड़ी बनाने की। और पगड़ी जब हम बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको जो है ना, आप चाहे तो उसको रोल रोल करके भी लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह सिंपली भी कर सकते हैं। बहुत इजी है ये पगड़ी बनाना भी इनका, बस पेस्ट करना है आपको एक शेप में प्रॉपर, किस तरह से पगड़ी पहनते हैं आप इमेजिनेशन के थ्रू भी आइए कर सकते हैं। मैंने भी इमेजिनेशन से ही किया है, मेरे सामने कोई पिक्चर नहीं थी इसकी, सो मैं सिर्फ अपने मन से बना रही हूँ और ये बन भी बहुत सुंदर गया। तो आप अगर अपनी इमेजिनेशन से काम करेंगे ना फ्रेंड्स, तो उसकी बात ही कुछ और होगी, क्योंकि वो कहीं से भी कॉपी नहीं होगा, तो वो जो ब्यूटी है ना वो आपके मन की ब्यूटी निकल कर आएगी, और बहुत ही जो है ना प्यारी सी क्रिएशन आप सभी के लिए वो सामने होगी। तो ये देखिए, पगड़ी भी हमारी जो है ना बन गई इनकी, और हल्का सा जो हम इसको जो है ना प्रॉपरली जो शेप देने के बाद, आप चाहें तो इस पर जो हल्के हल्के मंडाला के टूल्स है ना उससे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब बारी आई हाथों की, तो देखिए हाथ किस तरह से बना रही हूँ मैं, वही थोड़ा सा लंबा सा उसको रोल किया और उसको बिल्कुल शेप दे दिया हाथों का। ये देखिए हाथ जोड़े हुए हमारे बने हैं, ये मेल किस तरह से बने हैं आप ध्यान से देखिए, और बिल्कुल इसको हम जो चेहरे के पास में नहीं इसको हम पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर्स हैं ना वो हमारे एग्जैक्टली फेस के पास नहीं होते हैं, थोड़ा सा नीचे होते हैं। उसी तरह से आपको भी इसके हैंड्स को पेस्ट करना है, और फिर दोनों हैंड्स को हम मिला देंगे, बीच में हल्का सा कट कर दीजिएगा, ताकि जो आपकी आर्म है ना आपके इन मेल फीचर की, ये आम थोड़ी सी बैंडेड शो हो, मुड़ी हुई शो हो। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो कोई भी आर्ट पीस आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ध्यान से बनाइएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाइएगा। ये देखिए, हमने इनके हाथ भी बना दिए और जोड़ भी दिए, किस तरह से बनाए हैं। अब इस तरह से आप कोई ऐसा नाइफ भी ले सकते हैं जो कम तेज़ चलता हो और बहुत ही जो है ना आपको रिजल्ट अच्छा दे, या फिर किसी भी नाइफ की बैक साइड से आप ये काम कर सकते हैं। इससे आपकी क्ले कटेगी भी नहीं और आपको मार्क भी इसमें इजीली मिल जाएगा। तो अब ये देखिए, मैं जो पगड़ी के ऊपर थोड़ा सा हमारा जो पाग निकला हुआ रहता है ना, मैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और उसको किस तरह से बनाएंगे ये देखिए, ये शेप आप इसको दे दीजिएगा और इसको बिल्कुल ऊपर फिट, इसको इस तरह से जो है ना पेस्ट कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सूखने तक आप इसको थोड़ा ऊपर रख सकें, ताकि ये हमारा इसमें चिपका हुआ शो ना हो। कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे ये पधारो सा, अब बनाते हैं हम फीमेल फीचर। तो फीमेल फीचर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, और कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। जैसे हमने मेल फीचर बनाई है ना, इसी तरह से इमेजिनेशन से आप ये बना लीजिएगा। सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड अगेन क्रोम येलो कलर, क्योंकि हम इसको ट्रेडिशनल थीम पर लेकर चल रहे हैं, तो कलर्स भी तो ट्रेडिशनल ही होने चाहिए। और ये क्ले मेरी बच गई थी, तो मैंने ये थोड़ा सा इसको जो है ना विंडो के जैसे, एक दरवाजे के जैसे बना दिया है, ताकि पधारो सा तो दरवाजे पर ही अच्छे लगते हैं। और मैंने जो पधारो सा ये लिखा है ना, ये भी मैंने क्ले से ही लिखा है, और जो हमारे टूल्स होते हैं ना मंडाला टूल्स, उससे मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन दिया है। तो ये देखिए, कलरिंग करने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे मेल और फीमेल दोनों फीचर्स।
और इसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा। कलर्स आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप यही कलर्स यूज़ करेंगे। सो कोई भी कलर आप ले लीजिएगा, वो सब कलर्स अच्छे लगते हैं। तो इनकी जो शर्ट है ना, कुर्ता है, उस पर हम हल्के हल्के जो है ना डॉट्स दे रहे हैं ताकि ये कलरफुल सी लगे, क्योंकि राजस्थान में कलर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कलरफुल वहाँ की ड्रेस होती है, कलरफुल ही वहाँ का खाना होता है, और कलरफुल ही वहाँ का जो है ना एटमॉस्फेयर होता है, और कलरफुल ही वहाँ की ट्रेडिशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, और जो उनकी सजावट है ना वो भी। सो फ्रेंड्स, बाकी के कलर आप अपनी चॉइस से ले लीजिएगा। जो मैंने ये दरवाज़ा बनाया था, आप इस पर ब्राउन कलर भी कर सकते हैं, बट मैंने इस पर ब्लैक कलर किया है। सोचा तो मैंने इसको थोड़ा सा मेटालिक टच देने के लिए था कि मैं इस पर गोल्डन टच दूंगी, लेकिन मैंने बाद में थोड़ा आइडिया चेंज कर दिया है। सो आपको जिस तरह से देना है आप दे सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ही प्यारा है ये डिज़ाइन भी। और कलर्स को आप जब इसमें करें ना तो अच्छे से फिल कीजिएगा। मैंने जो इसमें मंडाला टूल की हेल्प से जो डिज़ाइन दिया है ना, इम्प्रेशन दिया है, उस पर अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि उसमें बीच बीच में कलर रहने की संभावना होती है। सो अगर वो ध्यान से करेंगे ना तो नहीं होगा ख़राब, और बहुत ही फाइनली आपका जो है ना ये कलर होगा। तो देखिए हमारे जो मेल फीचर की मूछें हैं ना, कितनी जो है ना बोल्ड लग रही हैं ब्लैक कलर से। तो ध्यान से कीजिएगा बिल्कुल, और स्किन कलर अगर आपके पास हो तो आप स्किन कलर ज़रूर कर दीजिएगा इनके फेस इम्प्रेशंस पर, या जो भी बॉडी पार्ट इसमें शो हो रहे हैं उन पर। तो ये देखिए मेरे पास ये ना बची हुई क्ले से कुछ मैंने इस तरह से बनाकर रख लिए थे। सो ये बटन्स टाइप मैंने जो बनाए हैं इनको पेस्ट कर दिया है। एक सिमेट्री में पेस्ट कीजिएगा, ऐसे ही कहीं भी पेस्ट मत कर दीजिएगा। और थोड़ा सा इसको मिरर से मैंने जो है ना बहुत ही जो कहते हैं ना फाइनली इसको डेकोरेट कर दिया है। अब जो ये हमारा बॉर्डर पार्ट है ना, ये थोड़ा सा हमारा अनइवन सा दिख रहा था, उसको मैं लेस से कवर कर रही हूँ। कोई भी लेस आपके पास पड़ी हो या फिर गोटा पत्ती के फूल पड़े हों, जो फ्लावर्स होते हैं आप वो ले सकते हैं, और किसी भी तरह से इसको आप जो है ना डिज़ाइन दे सकते हैं पेस्ट करके। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसको पेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको पेस्ट करना मुश्किल होगा फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें जो क्लिप्स है ना हमारी वो यूज़ की है, ताकि ये एक जगह स्टिफ हो जाए, और सूखने के बाद ये क्लिप्स हमने हटा ली। तो जो इसमें ट्रायंगुलर जो है ना डिज़ाइन, उसमें मैंने ट्रायंगल जो मिरर है ना वो लगाए हैं, और ये जो मिरर्स हैं ये सब मैंने जो गीता आर्ट से मंगाए हैं, और मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। बहुत ही जो है ना फाइन क्वालिटी के मिरर, कलर्स और सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, और होम डिलीवरी भी है। सबसे अच्छी बात तो मैं पिछले एक साल से उन्हीं से मंगा रही हूँ, तो मुझे क्वालिटी अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा एक बार। अगर आप ट्राई करेंगे तो ही समझ में आएगा जो क्वालिटी है उसके बारे में। सो मेरे जो मिरर्स हैं, मोल्डेड क्ले है, कलर्स हैं, फेविकोल है, सब कुछ मैं वहीं से लेती हूँ। सो आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो मिरर्स स्टिक कर दिए हैं, जो ट्रायंगल हमारा जो शेप थी ना, उसी में बीच बीच में हमारे मिरर्स भी पेस्ट हो गए हैं। और जैसे जैसे मिरर्स लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसकी जो ब्यूटी है रियली में बहुत बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल लग रही है। मैं खुद को मतलब क्या कहूँ, मैं इतनी खुश हो रही हूँ इसको देखकर। मैंने जब ट्राई किया था, मैंने सोचा नहीं था ये इतना प्यारा बन जाएगा। सो फ्रेंड्स ये आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। सो ये जो बिल्कुल अपर पार्ट है ना, यहाँ पर मैंने ये गोटा लगाया है थोड़ी सी शाइनिंग के लिए, और थोड़ा सा जो नीचे वाला बैकग्राउंड जो हमारा वो फैब्रिक था ना वो छुप जाए उसके लिए। सो आप कुछ भी लगा लीजिएगा जो आपका दिल करे। सो मैंने तो ये ट्राई किया है, आप क्या ट्राई करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स गोटा जब आप ये पेस्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि फेविकोल जो है ना इसमें से थोड़ा बाहर आ जाता है, तो ये वापस से आपके हाथ पर स्टिक होकर निकलने की जो है ना चांसेस रहते हैं। तो उसको ध्यान से थोड़ा सा स्टिफ कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स अब जो मैं है आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ये कह लीजिए ज़ीरो कॉस्ट जो है ना वो हैंगिंग है।
अब इसमें क्या कहीं पर भी यूज़ करेंगे, और जब आप उसको देखेंगे ना अभी, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी हैंगिंग बनती है। बहुत ही इजी है, बहुत ही फाइन है और बहुत ही खूबसूरत है। अच्छे से पेस्ट कर दीजिएगा गोटा है जो उसको, और उसके बाद अब बारी आती है हमारी हैंगिंग की। सो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ और तैयार करते हैं हम हमारी ये हैंगिंग। तो देखिए, हम ये जो भगवान पर माला डालते हैं ना, जो हर दिवाली चेंज की जाती है, सो वही ये माला है, और मैं इनको संभाल कर रख लेती हूँ। और इन्हीं के जो बीड्स हैं ना, ये ही जो हमारे यूज़ में आ जाते हैं। तो हमारा जो ये सूप है ना, तो ये हमारा थोड़ा सा बैम्बू बेस्ड होता है, तो इसीलिए मैंने इसके लिए इस तरह के जो बीड्स यूज़ किए हैं। और मुझे इसके लिए पोम पोम भी नहीं बनानी पड़ी फ्रेंड्स, इसमें से मुझे पोम पोम भी मिल गई। और ये देखिए, जैसे एक एक करके बीड्स आप निकाल लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद किस तरह से इनको प्लेस करना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ऐसे ही ज़ीरो कॉस्ट में दिवाली तक तो अपने घर को ऐसा जगमगा लेंगे कि लोग कहेंगे कि कहाँ से आपने ये सामान लिया, और आप खुश होकर बताइएगा कि आपने खुद बनाया है आर्ट फैक्ट्री पीडी से देखकर। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो एक हमने बीड्स नीचे ली है, बीड्स को हम करेंगे लॉक। किस तरह से लॉक करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, और लॉक करने के बाद उसको अच्छे से आप टाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि आपकी जो हैंगिंग है ना वो बन जाए और नीचे से फिर निकल जाए। सो आप उसको जब अच्छे से लॉक कर देंगे ना, तो वो नहीं हिलेगी कहीं पर भी, क्योंकि हमें जो है ना इस पर थोड़ा सा सावधानी से लगाना है। कुछ तो हमारा पुराना जो है सूप पुराना हो चुका है, और कुछ हमारी जो ये हैंगिंग है ना थोड़ी सी डेलिकेट है। सो पोम पोम हमने डाली है, उसके बाद आप बीड्स का अरेंजमेंट अपने मन के अकॉर्डिंगली कर दीजिएगा। सो ये जो कॉर्नर पर मैंने लगाई है ना हैंगिंग, ये तो सिंपल है, और जो सेंटर में लगाई है ना उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी की है। सो इसमें तो मैंने सिर्फ निडल से की हेल्प से ना बीड्स को पिरोया है। दो हमने लाइट कलर के लिए हैं, फिर एक गोल्डन और एक डार्क कलर का बीड, फिर एक गोल्डन और फिर दो लाइट कलर के बीड। सो इस तरह से मैंने इसकी सिमेट्री ली है, और दोनों साइड मैंने इसी तरह से बनाकर लगाई है। सो फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट जो ये हार है, हम इसको फेंक देते हैं, या फिर ये कहें कि हम इसको नदी या जो हमारे आसपास बहता पानी है उसमें हम इसको तिरा कर आते हैं, छोड़ कर आते हैं। सो वो भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हार्मफुल है हमारी नदियों के, हमारी नहरों के पानी के लिए। सो क्यों ना हम उसको इस तरह से यूज़ कर ले, हमारे पैसे भी बचेंगे और एनवायरनमेंट के लिए भी जो है ना अच्छा रहेगा। तो इसमें जो लेस है ना, इसमें थोड़ा सा निडल मुश्किल से क्रॉस हो रही है, लेकिन फिर भी हो गई, और इसको अच्छे से आप टाई कर दीजिएगा। ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है ना ये हैंगिंग। इसका और भी तरह से हैंगिंग बनाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग बस साथ दीजिएगा, और बहुत ही जो है ना कहिए ज़ीरो कॉस्ट हम वो सब चीज़ें बनाएंगे। अभी बंधनवार भी बनाएंगे, बहुत सारी तरह की एक यूनिक आइडिया मेरे दिमाग में है, और वो जो बहुत जल्द ही मैं आप सभी के लिए लेकर आने भी वाली हूँ। तो ये देखिए हमारी एक जो है ना हैंगिंग वो रेडी हो गई है, और अच्छे से इसको टाइटली आप इसको फिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए फिक्स होने के बाद इसको हम दूसरी साइड भी ऐसे ही बनाई, और जो हमारा सेंटर था उसमें हमने बीच में मिरर्स पेस्ट कर दिए बस। अब ये देखिए कितना प्यारा सा आर्ट पीस हमारे सामने है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट।